हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम देखते हैं कि ये शेयर मार्केट का जो गुरु ज्ञान है, इसके अंदर जैसे कुछ लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस के ऊपर उनको एक वीडियो चाहिए, तो एक्चुअली आई एम प्रिपेयर्ड हियर विद अ वीडियो। और ये जो प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस है, यू नो, ये जो है ना, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, हकीकत में अगर देखा जाए, क्योंकि जो प्राइस वॉल्यूम की जो रिलेशनशिप है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत जो चार्ट पैटर्न्स हैं उनको ये मतलब कंफर्म करती हैं, ट्रेंड को कंफर्म करती हैं, फ्यूचर के अंदर क्या होगा, नियर फ्यूचर में क्या होगा, ये सब जो है प्राइस वॉल्यूम जो एनालिसिस है, ये सब बता देती है। फ्रेंड्स, मैंने एक वर्ड कॉइन किया था, उसका नाम था VIP, दिस इज़ वॉल्यूम इंडिकेटर एंड प्राइस। किसी भी शेयर की जब एनालिसिस होती है तो उसके अंदर ये तीनों चीज़ें जो है ना, वॉल्यूम एनालिसिस और प्राइस, तीनों को कंबाइन करके ही किसी भी शेयर की या निफ्टी की या बैंक निफ्टी की या किसी की भी एनालिसिस होती है, ठीक है। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जब प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस, और देखते हैं इसके अंदर क्या है। लेकिन ऑल सेड एंड डन फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि भाई देखिए, शेयर मार्केट के अंदर कमाना है ना, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए एक ना जुनून होना चाहिए कि नहीं, मेरे को शेयर मार्केट में पैसा कमाना है और इसलिए मेरे को थोड़ी जानकारी रखनी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। आप किसी के कंधे से जो है ना फायरिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पर शेयर मार्केट में, और ना ही यहाँ टोपियाँ घूमती हैं, आपका सर और आपकी टोपी। फ्रेंड्स, जो शेयर मार्केट है उसके अंदर एक ही सज़ा है हर गुनाह की, कि आप जो है पैसा गंवाइए, या उसका इन अदर वर्ड्स आप पेनल्टी दीजिए। सो बेस्ट ये है कि आप क्लियर रहिए, हर चीज़ को समझिए। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है जो, या जितने भी मैंने वीडियोस निकाले हैं, वो कमाने के लिए तो काफ़ी हैं, लेकिन अब देखते हैं, थोड़ी सी एडवांस चीज़ नहीं है, बेसिक है ये भी, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक ये एडिशन है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि ये प्राइस वॉल्यूम एनालिसिस क्या है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाइए और बेल का बटन दबाइए, अगर आपको फ्यूचर के अंदर मेरे वीडियोज़ अगर चाहिए तो। और बेसिकली आई एम मोर हंग्री जो है ना फॉर आपके जो कमेंट्स हैं, उसके लिए मेरे को ज़्यादा चिंता रहती है, बाकी तो सब अपनी जगह ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पूरा देखिए इसको, तो ये देखते हैं, ये मैंने 1, 2, 3, 4, 5 ये मैंने चार्ट्स बना के ऑलरेडी प्रिपेयर किए हुए हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है ना, ये जो ग्रीन वाले हैं, कोई भी आप अगर charting.com पे जाएंगे, चार्ट लेंगे, तो आपको ये हरे ग्रीन जो है ना, ये इस टाइप के जो है ये बार्स मिल जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं कि ये जो है वॉल्यूम बार्स हैं। तो चलिए पहले के अंदर देखते हैं, यहाँ पर जो है प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पर जो है ना वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रही है। अगर प्राइस भी इंक्रीज़ हो रही है और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो रही है, तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बायर्स हैं वो इवन हायर प्राइस के ऊपर भी शेयर्स को लेने को तैयार हैं। उनको मालूम है कि शेयर की क्वालिटी अच्छी है और ये थोड़े अगले समय तक जो है इसकी जो कीमत है ना वो बढ़ती रहेगी। सो बायर्स आर बाइंग एट हाई प्राइसेस विदाउट एनी फियर, और जो सेलर हैं वो भी बहुत खुश हैं कि चलो भाई, हमारा जो शेयर है वो हाई प्राइस पे बिक रहा है। फ्रेंड्स, लेकिन एक फिर बाद में सिचुएशन ऐसी आती है कि जो वॉल्यूम है ना, जो प्राइस है, यहाँ से प्राइस तो बढ़नी चालू होती है, लेकिन ना वॉल्यूम जो है वो गिरनी चालू हो जाती है। ये देखिए, वॉल्यूम यहाँ पर गिर रही है। इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि जो प्राइस है ना, ये ऐसी जगह पे पहुँच चुकी है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। आप ये देखिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस, ये जो लाइन है 1, 2, 3, 4, यहाँ से ऊपर जो है ना, ये प्राइस नहीं जा रही है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सेलर तो बेचना चाहता है, लेकिन जो बायर है ना, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या प्राइस इसके ऊपर जाएगी। लेट अस सी, बायर्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय एट हायर प्राइसेस एंड रेजिस्टेंस इज फॉर्म्ड, लेकिन सेलर बेचना चाहता है। यहाँ जो एक्चुअली जो है मतलब उसको समझ आ जाती है बायर को कि भाई, इतनी प्राइस बढ़ चुकी है, अब और ज़्यादा इसकी प्राइस नहीं बढ़ेगी, तो दे आर लिटिल स्केयर्ड ऑफ इट। फिर एक तीसरी चीज़ ये है कि जो प्राइस है वो तो गिर रही है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो सेलर हैं, जो कि वॉल्यूम मतलब खरीदार, जो उनको प्राइस मिल रही है उसी प्राइस के ऊपर जो है जो सेलर हैं वो बेच रहे हैं, इसलिए जो वॉल्यूम है ना वो वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ रही है, ठीक है। सेलर्स आर सेलिंग आउट ऑफ फियर दैट प्राइसेस में फॉल फर्दर, वो ये सोच रहे हैं कि साहब, ये पता नहीं है प्राइस जो है ये कहाँ जाके रुकेगी, जो प्राइस मिलती है उस प्राइस के ऊपर आप बेच दीजिए। इसके बाद क्या होता है, जो प्राइस है वो तो इंक्रीज होती है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो देखिए, जो वॉल्यूम कंटिन्यूसली कम होती है। क्या होता है फ्रेंड्स, कि एक सिचुएशन एक्चुअली ऐसी आती है
कि जब जो है जो सेलर है वो सोचता है कि अभी मेरे को बेचने की ज़रूरत नहीं है और 10 दिन रुक जाऊंगा, 15 दिन रुक जाऊंगा, हफ्ता भर रुक जाऊंगा, तो प्राइस है ना ऊपर चढ़नी चालू हो जाएगी। यहाँ क्या होता है कि प्राइस को एक सपोर्ट मिल जाती है। आप ये देखिए, ये सपोर्ट है प्राइस को, यहाँ पर सपोर्ट मिल गई है, और जैसे ही इसको सपोर्ट मिली यहाँ पर, ये जो प्राइस है इसने जो है ऊपर जाना चालू कर दिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स ये क्या है, ये मैंने इसको ब्लैंक रखा है, ये जो है ये फिर ये एक यही है जो यहाँ पर है कि प्राइस भी ऊपर जा रही है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें जो है ये इस सीक्वेंस के अंदर होती है, ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकती हैं क्योंकि ये सब न्यूज़ बेस्ड हैं, ठीक है। लेकिन इसको ना समझना एक्चुअली जो है ना बहुत ज़रूरी है कि जो प्राइस वॉल्यूम जो है एक्शन जो है कैसे होता है। हम जब भी फ्रेंड्स कोई भी हम वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं तो उस दिन की वॉल्यूम को तो देख ही लेते हैं, लेकिन पिछले 8-10 दिन की 15 दिन की वॉल्यूम देख लेते हैं कि वॉल्यूम जो इंक्लाइंड वॉल्यूम कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, या वॉल्यूम जो है वो फ्लैट है। इसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद वॉल्यूम एक बार एनालाइज हो गई, फिर इंडिकेटर करिए कि उसमें मूविंग एवरेज है, इसके अंदर RSI है, जो भी इंडिकेटर आप यूज़ करते हैं उसको एनालाइज करिए, प्राइस करिए, और इन सब को मिलाकर एक आप डिसीजन लीजिए कि मेरे को अब ये करना है। फ्रेंड्स ये जो शेयर मार्केट है इसमें जानकारी सब कुछ है। अगर आपको शेयर मार्केट का शहजादा बनना है तो शेयर मार्केट की कुछ तो नॉलेज आपको रखनी चाहिए। मैं बार बार अपने आप से पूछता हूँ कि भाई अनिल शर्मा, तुम यहाँ पर पिछले 40 साल से 47 साल से शेयर मार्केट के अंदर हो, ठीक है ना, तो कितने टाइम के अंदर जो पैसा है अगर ये सब नॉलेज आ जाए तो दुगना हो सकता है। फ्रेंड्स मेरा अपना अंदाज़ा है, नॉट अंदाज़ा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि अगर आपको जितनी मैंने अभी तक चीज़ें इंक्लूडिंग ये बताई हैं और 2-3 चीज़ें आगे बतानी हैं, तो आपको हर हालत जो पैसा है एक साल में डबल तो होना ही चाहिए अगर 125-130% नहीं होता। मेरा जो पिछला वीडियो आया, अब मैंने रिलीज़ किया है वीडियो 147, उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 3-3 महीने में, 2-2 महीने में, 1-1 महीने में कैसे जो शेयर्स हैं वो जो है वो मतलब एनीवेयर फ्रॉम 15% से 25% 30-32% तक हो गए हैं। आप जो है बेसिकली ट्रेड करिए शेयर को, उसको रखिए मत। एक शेयर को लेके आपने एक साल रख लिया, आपको 20% मिल जाएगा, लेकिन अगर उसको आपने शेयर ये सब जानकारी के साथ ट्रेड किया तो यू विल बी 100% प्लस। थोड़ा सा स्किल रखिए, धीरज रखिए, अनाप शनाप गेस वर्क छोड़ दीजिए एंड यू विल विन द गेम। फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आई एम सेइंग कि अगर आपको ये मेरा वीडियो जो है पसंद आया तो प्लीज़ इसके ऊपर जो है बेल बटन दबाइए, और कोई भी एनालिसिस करने से पहले ये VIP वर्ड ध्यान में रखिए। इसमें है वॉल्यूम, इंडिकेटर एंड प्राइस, तीनों को मिला के ही इसकी जो है आप किसी भी शेयर की, वो भले निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, टाइटन हो, रिलायंस हो, बजाज का कोई शेयर हो, LNT हो, कोई भी शेयर हो, फ्रेंड्स ये 3 चीज़ें उसके अंदर ज़रूर आनी चाहिए कम से कम। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। शेयर मार्केट में रहिए, जानकारी रखिए और पैसा कमाइए। थोड़ा सा लॉजिक रखिए, पैसे का मैजिक देखिए कैसा डबल होता है। थैंक यू वेरी मच।